गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, होप यू आर लर्निंग वेल एट होम्स। नाउ यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द मैरी द चैप्टर मैरी कॉम इन विच आई टोल्ड यू दैट मैरी डिड कम बैक एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेन एंड स्टार्टेड गेनिंग द मेडल्स अगेन एंड फाइनली आई टोल्ड दैट सी शोड यू नो एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर इन लंडन ओलंपिक 2012 वेयर सी हैड टू फाइट विद चेंज ऑफ कैटेगरी। सी वॉज फाइटिंग इन 48 किलो किलोग्राम कैटेगरी बट नाउ सी हैड टू फाइट इन 51 किलोग्राम कैटेगरी बट सी डिड नॉट लूज होप एंड दो एंड सी हाउ एंड लुक एट द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। See, it is also mentioned here that she practiced against male boxers. She was a lady, but she practiced with the male boxers. So that because the male boxers who are more powerful and physically, so that she could give her opponent a strong challenge. So. See, look at the the commitment, the willpower that Mary Kom has got, and finally she won a bronze medal, Olympic bronze medal for our country. Now what happens the next, let's find out. The awards and recognitions for Mary Kom have continued over the years, as she was awarded the Arjun Award in 2003. She was awarded Arjun Award in 2003, the Padma Shri in 2006, and she was given 2006 Padma Shri Award, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009, and the Padma Bhushan in 2013. She also won a gold medal in the Asian Games in 2014, among many such others in the recent years. And you can imagine in 2014 also she got a gold medal in Asian Games. Mary Kom's success was only possible because of her hard work and determination. So in the end it is said that the Mary Kom's success was only possible because of the hard work. If she did not do hard work and she did not have determination, willpower, then this success will not come. See, her story is significant because she achieved all the accolades against all odds. You can see, means she said that it is said that उसकी जो सफलता है, जो उसकी जो story है, वो significant हो जाती है, वो important हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने जो भी अवार्ड्स जीते वो सब उसने अलग तरह से जीते, मतलब विपरीत परिस्थितियों में जीते। ये सारे के सारे उसने सब मींस सपोज जब बिगनिंग में वो फाइटिंग करने जा रही थी तो फिर वो उसके फादर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाद में जब वो आई तो फिर उसकी जो है उसने शादी की तो उसके बच्चे हो रहे थे, उससे उसके करियर को प्रॉब्लम आ सकती थी, और कोई होता तो करियर छोड़ देता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने इन सारी प्रॉब्लम से लड़ा, फाइट किया और उन सबको ओवरकम किया, उन सबको दूर किया। तो दिस इज़ वॉट, इसलिए मैरी कॉम की जो सक्सेस है वो सबके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है, और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सी वर्कड विद कंप्लीट डेडिकेशन, उसने पूर्ण समर्पण के साथ काम किया टुवर्ड्स हर गोल। पूरा डेडिकेट होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, एक ही लक्ष्य रखना पड़ता है अपने गोल के लिए, है ना। एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट सी फेस्ड, और जो भी उसकी रुकावटें थी, ऑब्स्टेकल्स मीन्स रुकावटें, जो भी रुकावटें आ रही थी उसके रास्ते में, उनसे उसने ब्रेवली बहुत ही वीरता के साथ, एकदम करेज के साथ उसने जो है उसने फाइट की। एंड दस मैरी कॉम हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से, दस मीन्स इस तरह से, मैरी कॉम हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन,
कि मैरी कॉम के अंदर एक ट्रू स्पोर्ट पर्सन की सारी क्वालिटीज, सारे के सारे गुण हैं। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीट। सो यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। वॉच दिस वीडियोज अगेन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन कंसल्ट टू द प्रीवियस वीडियोज। एंड आई एडवाइज टू वॉच एट ए टाइम ऑल दिस वीडियोज, सो दैट सो एज टू मेक योर सेल्फ क्लियर कट आइडिया ऑफ द होल चैप्टर। ओके, थैंक यू।